हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कार्तिक दकोड़ा पर। और ये चैट ऐप सीरीज की 13th वीडियो है। आज की वीडियो में हम सेंड मैसेज की फंक्शनैलिटी पर काम करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास लास्ट टाइम आपने देखा होगा तो इसमें कुछ डेमो या के यूज़र्स थे जिनको मैंने डिलीट कर दिया। मैंने कुछ नए यूज़र रजिस्टर किए हैं तो उनसे लॉग इन करते हैं। मान लेते हैं मैं विकास से लॉग इन कर लेता हूँ, एंड सेकेंड टाइम में हम कार्तिक नाम के एक यूज़र से लॉग इन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कार्तिक ही यूजर से लॉग इन करते हैं। देखिए, जैसे मैं लॉग इन करूंगा कार्तिक यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है और विकास यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है। इसके बाद हमने जो काम करना था उस पर काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ मैसेज टाइप करूंगा और वो मैसेज मुझे आगे सर्वर को सेंड करना होगा। तो चलिए इस पर काम करते हैं सबसे पहले। ठीक है, कंसोल देख लेते हैं। हे, कंसोल में एक एरर आ रही है, ये चाइल्ड, ये क्या है, यूनिक की एरर है। हम इस पे भी कुछ लगा देंगे। तो सबसे पहले चलते हैं अपने फुटर पर। ये पोर्शन है जिसमें हमें अब काम करना है। तो यहाँ पर एक ये इनपुट टाइप टेक्स्ट फील्ड है, तो काम करते हैं इसके ओन चेंज पे। हमें कुछ जो भी हम इसमें टेक्स्ट टाइप करेंगे वो हमें सेव कराना है। ठीक है, ओन चेंज एक पर एक ले लेते हैं फंक्शन कुछ, और इसमें लेते हैं हैंडल चेंज एक फंक्शन बना लेते हैं। इसमें कंसोल लगाते हैं पहले और फिर देखते हैं कंसोल में क्या लोग हो रहा है। ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, वैल्यू में हमें वो टाइप मिलेगा इसमें कंसोल होगा जो भी हम इसमें टाइप कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए कंसोल में क्यों कह रही है, ई इज नॉट डिफाइंड 6 पर। ठीक है, वो सेव नहीं होता इसलिए एरर दे रहा। देखिए, हमने से लगाया ऑन चेंज में हैंडल चेंज। ठीक है, लगाया तो हुआ है, देखते हैं एक बार। ठीक है ना, ये वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं। अब तो ये बॉक्स है, इसको क्या ना कंपोनेंट देते हैं प्रॉप्स, और इसमें डाल देते हैं फॉर्म। और ये बटन है, इस बटन पे लिखते हैं इसका टाइप, इस बटन पे देते हैं टाइप। टाइप क्या हुआ इसका, सबमिट। तो चलते हैं अपने ब्राउज़र में, यहाँ लिखते हैं और करते हैं एंटर। एंटर करने पर ना ये रिलोड हो रहा है। इसके लिए क्या है, हमें यहाँ पर एक ये फॉर्म है, ऑन सबमिट की ज़रूरत नहीं है वैसे तो। हम चाहें इसको ऐसे भी हैंडल कर सकते हैं कि अगर वो वैल्यू है या नहीं है। हैंडल चेंज पे ये करा लेते हैं और बटन के क्लिक पर। या तो ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कोई यूज़र यहाँ पर टाइप करे, बट ये एंटर मारने पर नहीं चलेगा, उसके लिए हमें फॉर्म लेना पड़ता है। तो यहाँ पर फॉर्म ले लेते हैं सबमिट ना, सबमिट में एक फंक्शन लिखते हैं हैंडल सबमिट करके, और इसके ऊपर डिफाइन करते हैं यहाँ पर। इस पे भी एक कंसोल लगाते हैं पहले, कंसोल डॉट लॉग फॉर्म सबमिट। लिखते हैं ई डॉट पी इवेंट, सॉरी यहाँ से ले लेते हैं एक इवेंट, और यहाँ पे लिख देते हैं ई डॉट इवेंट डिफॉल्ट। इससे क्या हमारा पेज रिफ्रेश नहीं होगा। हम चलते हैं अपने इस पर, करते हैं सबमिट। अब देखिए, जैसे मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं उसका काउंट बढ़ रहा है। ये देखिए, फॉर्म सबमिट हुआ। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, हमारा पेज अभी रिफ्रेश नहीं हो रहा। तो इस वैल्यू को करते हैं पहले किसी स्टेट में सेव। तो यहाँ पर लेते हैं एक स्टेट मैसेज, सेट मैसेज करके कुछ ले लेते हैं।
यूज स्टेट, इसकी वैल्यू रख देते हैं नल। यहाँ पर करते हैं हम दैट मैसेज और इसमें डाल देते हैं ए डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को। तो जो भी वैल्यू जो भी हम कुछ टाइप करेंगे वो यहाँ पर सेव होता रहेगा मैसेज में। और यूज स्टेट कहता है नोट डिफरेंट, ठीक है यूज स्टेट कहते हैं रिएक्ट से। और यहाँ पर कराते हैं कंसोल मैसेज को, मतलब सर्वर को सेंड करने से पहले देखते हैं मैसेज क्या होगा हमारे पास। जैसे मैं एक मैसेज टाइप करता हूँ हाय, एंड देन जब मैं हाय हाय पे क्लिक करूँ तो जैसे मैं इसमें मैसेज लिखते हैं, चलो एक हेलो, ठीक है हेलो। जैसे ही मैं एंटर करूँगा या सबमिट करूँगा ये दोबारा प्रिंट होगा। देखो इसका मतलब क्या, हमारे पास हेलो जो है हमारे स्टेटस पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये मैसेज हमें क्या करना है, आगे सेंड करना है। हमारे पास आ रही है स्टेट और यहाँ से करते हैं हम मैसेज सेंड। चलो तो इसके लिए क्या करते हैं, ये फंक्शन बट हमें चाहिए यहाँ से। हमारा रहा है सॉकेट का कनेक्शन कहाँ है हमारे पास, यहाँ पर है इस फाइल में, ठीक है हमें यहाँ पर चाहिए। तो इस फाइल की तो खैर जरूरत नहीं, इसे डिलीट करते हैं, ठीक है। एंड अब एक बार देखते हैं हैंडल सबमिट, ओके। इस फंक्शन को हम के स्टेट को भी वहीं से लेकर के आते हैं, यही सही रहेगा ना, इसको यहाँ से लेकर आते हैं। ठीक है ये स्टेट है, इसको अपना ऊपर यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं। स्टेट्स हैं हमारे पास, ये मैसेज हो गया हमारे पास, और ये एक हैंडल चेंज फंक्शन है। ठीक है इसको या तो ऐसे भी कर सकते हैं ना, एक मिनट रुकते हैं। तो सिर्फ हैंडल सबमिट को लेके चलते हैं ना। यहाँ पर अब हम एक फंक्शन बनाते हैं सेंट हैंडल सेंड मैसेज, और इसमें लेके आते हैं उसको, यहाँ कंसोल कराते हैं कंसोल डॉट लॉग मैसेज। और यहाँ लेते हैं एक मैसेज चैट बॉक्स में पास करते हैं इस फंक्शन को हैंडल सेंड मैसेज करके हमने फंक्शन बनाया, ठीक है। अपने इसमें इसको चलते हैं यहाँ पर एक प्रॉप्स से ले लेते हैं इसको, और इसको आगे पास करते हैं अपने फुटर में। तो अब हमें ये मिल जाएगा यहाँ फुटर में, और इसको यहाँ पर कॉल करते हैं हैंडल सेंड मैसेज में, क्या कर देते हैं मैसेज सेंड कर देते हैं मैसेज। तो देखिए कंसोल होगा आपका यहाँ पर इस फाइल में, लिख देते हैं सेंड मैसेज, ठीक है लिखते हैं हेलो। और जैसे मैं एंटर करूँगा तो देखिए ये इंडेक्स डॉट जे एस लाइन नंबर 36 पर ये आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अब सॉकेट ट्रैप तो हमारे पास सही है, अब इसमें चेक कर लेते हैं पहले एक इफ सॉकेट ट्रैप डॉट करंट डॉट कनेक्टेड। आई थिंक पहले ना इसी को कंसोल कराते हैं, इसमें आता क्या है हमारे पास, कंसोल डॉट लॉग सॉकेट ट्रैप डॉट करंट। यह कनेक्टेड, ठीक है यही हमें चेक करना है। इसमें यहाँ पे एक इफ कंडीशन ले लेते हैं पाई नीचे, और सॉकेट ट्रैप डॉट करंट डॉट कनेक्टेड, अगर ये है तो क्या करें सॉकेट ट्रैप डॉट करंट डॉट इमिट। मैंने बताया था ना कि इमिट में हम क्या करते हैं
को भेजते हैं और उनमें पकड़ते हैं उस चीज़ को। तो यहाँ पे इमिट करना है, इसका कुछ एक नाम दे देते हैं, सी सेंड मैसेज, और इसमें भेज देते हैं आगे मैसेज। ठीक है, अब इस मैसेज को हमें पकड़ने के लिए करना पड़ेगा, अपने सर्वर पे चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे लिखते हैं कोर सॉकेट डॉट ऑन। ठीक है, यहाँ लेते हैं सॉकेट डॉट ऑन, और हमने वहाँ कॉपी किया था ना। हाँ ठीक है, इसमें हमें ये मैसेज मिल जाएगा। यहाँ देखो, अब इसको कंसोल कर लेते हैं सर्वर पर, कि सर्वर तक हमारे पास मैसेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, मैसेज एंड मैसेज फ्रॉम कंटेंट एफ आर ओ एन टी एन फ्रंटेंट। ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं एक मैसेज, अब देखते हैं। ओके, मैंने कहना वो टैब शायद बंद कर दिया ना, इस वजह से आ नहीं रहा। एक और बार हमें शायद लॉग इन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर तो है बट ओके, हम कहीं और हैं। ठीक है, यहाँ पर कार्तिक मेरे को यूज़र मिल रहा है। ठीक है, एक यूज़र और ले लेते हैं, तो पहले ना एक टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये मैसेज जा रहा है नहीं जा रहा। हेलो फ्रॉम विकास। ठीक है, मैंने ये सेंड किया, यहाँ पर एक एरर देता है ये। ठीक है, देखते हैं क्या एरर आई है, सर्वर पर कुछ एरर आई है। मैसेज इज नॉट डिफाइंड, मिलेगा तो सही है ये। ठीक है, एक बार सर्वर को ना बंद करके दोबारा स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं। अच्छा, मैंने फाइल ना सेव नहीं किया, शायद इस वजह से भी एरर आ रही होगी ये। ठीक है, कोई नहीं, एक बार देखते हैं अब। ओके, अब क्या है ना, इसके पास तो सर्वर से वो यूज़र चला गया होगा, तो इस यूज़र को दोबारा देखते हैं एक बार। ठीक है ना, ये आ गया। ये क्या है, ये इनकोग्निटो वाला है, इसको तो थोड़ा छोड़ते हैं, इस पर आते हैं। जब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और लिखता हूँ यहाँ से हेलो, चलिए हेलो का ही देखते हैं एक बार, ये सर्वर पर प्रिंट हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए, हेलो मैसेज फ्रॉम फ्रंट एंड। अब क्या है, हमारे पास सर्वर तक मैसेज आ रहा है। अब ये हमें मैसेज भेजना है किसको, कौन था ये, विकास, विकास ने भेजा है कार्तिक को। तो ये मैसेज कार्तिक को डिलीवर होना चाहिए। इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर कार्तिक की डिटेल चाहिए हमें। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, उन चीज़ों को ऐड करते हैं। एक बार और देखते हैं इसके अंदर ना, एक यूज़र लेते हैं, सफारी ओपन कर लेते हैं। अभी क्या है ना, एक प्रॉब्लम है कि इसमें जैसे ही मैं कोई दूसरा यूज़र ऐड करता हूँ ना, ये उसी को ले लेता है। का क्या करना चाहिए, एक बार देखते हैं यहाँ से लोकल होस्ट। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्या है, ये क्या है, इसमें डेमो 5 भी आ गया इसमें उस दिन का। अच्छा, तो ये क्या है ना, ये इसके लोकल स्टोरेज में पड़ा हुआ है, तो इसने यूज़र को उठा के वहाँ से डाल दिया है। ठीक है यार, ये तो हमारे पास यूज़र है भी नहीं, तो यहाँ से क्या करते हैं, इसको लॉग आउट करते हैं पहले, तो बंद करते हैं। ठीक है, एक तो ये लॉग आउट होने पर भी हट जाना चाहिए था यूज़र। ओके, एक प्रॉब्लम इसमें ये भी है। ठीक है, तो क्या करते हैं ना, पहले कुछ हमारे पास नोटपैड था। ठीक है, इसमें ना ये भी लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें हैं अभी हमारे पास। ये कुछ एरर्स और बग्स जो आएंगे ना, हम इसमें नोट कर लेते हैं, एरर्स एंड बग। ठीक है, पहला एक तो ये है कि अगर यूज़र को हम लॉग आउट करते हैं तो वो सेकंड एंट्री से जाता नहीं है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये क्या है ना, कार्तिक को अगर मैं यहाँ से लॉग आउट करूँगा तो यहाँ से जा नहीं रहा है, जबकि कार्तिक तो लॉग आउट हो चुका है, तो यहाँ से रिमूव हो जाना चाहिए वाला यूज़र। यूज़र रिमूव नहीं हो रहा है, तो यूज़र इज नॉट रिमूव आफ्टर लॉग आउट। एंड एक प्रॉब्लम हो रहा है कि अभी क्या है, मैं जैसे कोई
दूसरा टाइप करके मैं इसको ओपन करूँगा, तो ये क्या कर रहा है, उसी यूज़र को दोबारा से लॉगिन कर देना है। तो हम इस तरह से ना इसको टेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल टैब में हम मैक्सिमम दो ही यूज़र को कर पाएंगे ना। तो क्या करते हैं, इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको मैं दिखा रहा हूँ आपको, हमने क्या किया था, हमने इसको ना लोकल स्टोरेज में सेव कराया हुआ है। यहाँ पर लोकल स्टोरेज की जगह हमें क्या करना है, इसको सेशन स्टोरेज में सेव कर देना है, ताकि हर टैब का अपना अलग अलग सेशन बनता रहेगा। क्या करते हैं इसको सेशन स्टोरेज में सेव कर लेते हैं, ये पूरे प्रोजेक्ट पर रिप्लेस कर देते हैं एक बार। ठीक है, और इन फाइल को करते हैं सेव, अभी बार देखते हैं, ये बंद कर देते हैं, यहाँ रिफ्रेश करते हैं, एक इसको भी बार लोड कर देते हैं, है ना, ब्राउज़र का कैश भी क्लियर हो जाएगा। फिर इस टैब को भी बंद कर देते हैं, अब देखते हैं यहाँ पर पहला यूज़र हमारा विकास है, इसको लॉगिन कराते हैं। ठीक है, डेमो 5 का क्या है ना, ये हमारे सर्वर में पहले सेव है, इस सर्वर को ना एक बार बंद स्टॉप करके स्टार्ट करते हैं दोबारा से, और फिर देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट यूज़र है विकास, ठीक है, अब इसकी एंट्री तो आएगी नहीं खुद की, हालांकि हमारे पास यहाँ आया तो हमने फिल्टर लगाया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा। सेकेंड टाइम में ना इसको दोबारा ओपन करते हैं, और इसमें यूज़र ले लेते हैं हम कार्तिक, और ये देखिए कार्तिक लोगों में यहाँ पे विकास आ गया, और यहाँ पे कार्तिक आ गया होगा। और थर्ड टाइम में हम एक और हमारे पास यूज़र है, उसको ले लेते हैं, क्या नाम है, दीपक। ठीक है, यहाँ पे आ गया दीपक, तो अब देखिए दीपक के पास विकास और कार्तिक आ गए, और कार्तिक के पास विकास और दीपक आ गए, विकास के पास कार्तिक एंड दीपक आ गए, कार्तिक के पास विकास एंड दीपक, विकास के पास कार्तिक एंड दीपक। ठीक है, तो अब क्या है ना, जैसे मान लीजिए मैं कार्तिक को सेलेक्ट करूँगा, तो वो मुझे क्या करना है, ये एक ऐसे मैंने टाइप किया, ये जा रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि अब यहाँ से मैं दीपक को लॉग आउट करता हूँ, तो दीपक यहाँ से रिमूव हो जाना चाहिए था, ये नहीं हो रहा है। इसको मैंने शायद एक बार पहले भी कहा था कि हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, यहाँ पर यूज़ इफेक्ट में कुछ करना पड़ेगा, यहाँ पर क्लीन अप के टाइम पर लिख देते हैं सॉकेट रेफ, अगर कनेक्शन है ट्रैफ डॉट करंट। ओके, ये क्या है, सॉकेट हमारा, इसमें एक फंक्शन होता है डिस्कनेक्ट करके, देखते हैं इस पहले एक सॉकेट कंसोल कराएं, या हम यहाँ पर देख सकते हैं इसके डॉक्यूमेंटेशन में सॉकेट डॉट आयो, देखते हैं डिस्कनेक्ट। ओके, डिस्कनेक्ट हमें कहाँ मिलेगा, सॉकेट ऑन डिस्कनेक्ट सॉकेट डॉट, ठीक है, हमें ये चाहिए शायद ना, एक बार देखते हैं, ये डिस्कनेक्ट फंक्शन है, इसको कॉल करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए मिलते हैं।